हर घर में अनगिनत सपने सजते हैं। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। Aditya Birla Group presents Budget 2012. Will it lead to a bounce back or a breakdown? 16th March on India's number one budget platform. Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world. In association with Binani Cement, Indigo, and Jayaprakash Power Ventures, Digital Outdoor Partner DSN, Cafe Partner Barista, Print Partner Business Standard, Broadcast Partner YouTube. स्टेट गाइड के बजट स्पेशल में आपका स्वागत है। तमाम तरह की बातों में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री यानी रियल स्टेट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, किस तरह से बढ़ावा मिले कि अफोर्डेबल हाउसिंग पूरे देश में एक साथ आगे बढ़े। तमाम बातें हमने की है और जैसा हमने ब्रेक से पहले कहा था कि एक वो बदलाव जो अगर इस बजट में हो जाता है तो वाकई में उससे इंडस्ट्री को बहुत फायदा हो सकता है, कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, एक शुरुआत हो सकती है। अब हम अपने चारों मेहमानों से एक एक करके पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपका, आप कोई एक पॉइंट जो चाहते हैं इस बजट में जरूर हो जाए जिससे पूरा सिस्टम अगर पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक बदले। मेरा ये मानना होगा कि इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्टेटस दिया जाए या इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए तो जितनी भी समस्या हम डेवलपर्स अब महसूस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, जैसे बैंक से अर्थ सहाय मिलने की या कोई भी कंसेशन मिलने के लिए या कोई भी चीज आगे बढ़ने के लिए, तो मैं समझ रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री स्टेटस अगर रियल्टी सेक्टर को दिया जाए तो मुझे लगता है काफी बड़े पैमाने पे बदलाव हमें महसूस होगा। बिल्कुल, इंडस्ट्री का दर्जा अगर रियल स्टेट को मिले, फंडिंग काफी आसान हो जाएगी, तमाम तरह की सहूलत मिलेगी। बुमन, आप क्या कहेंगे? मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से एक प्री बजट रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप इंडस्ट्री एमसीएचआई क्रेडाई ऑल इंडिया को बुलाएं और उनसे बातें करें, उनकी समस्या समझें और फिर बजट बनाएं। लेकिन इन द बजट आई थिंक इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप अगर कंट्रोल कर सकें और दूसरा फंडिंग ऑप्शंस फॉर दिस इंडस्ट्री को बढ़ा सकें तो दिस इंडस्ट्री विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड बैक विद अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। चलिए वित्त मंत्री जी, टैक्स का बोझ कम कीजिए, यहां पर तो बहुत तेजी से चीजें सुधरेंगी। अनिल शर्मा जी, आप क्या कहेंगे वित्त मंत्री से, कोई एक डिमांड जिससे काफी बदलाव आ सकता है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि आजकल जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है इस कंट्री में, उनको सबसे ज्यादा समस्या आ रही है घर खरीदने में। उनको ध्यान में रखते हुए दो पॉइंट मैं कहना चाहूंगा। एक तो उनका जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जो पिछले बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था और दिया भी था, और इस बार जो एटीआई भी है अगर वो भी लागू कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की फैमिली का जो अफोर्डेबल होम्स की कल्पना है वो साकार हो पाएगी। चलिए, तो लोगों को इंटरेस्ट सबवेंशन, सस्ता लोन मिले ज्यादा अमाउंट के लिए मिले और एटीआईबी को फिर से ले आया जाए ताकि सस्ते घर बनाने को बढ़ावा मिले। चलेंगे बेंगलुरु, जेसी शर्मा जी, कोई एक डिमांड आपको लगता है बदल सकती है इस बार बजट को और हाउसिंग इंडस्ट्री को? देखिए, हाउसिंग लोन्स जो पिछले 10 साल में 7 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन हाउसिंग लोन के अंदर में जो इंटरेस्ट की जो आज टैक्स डिडक्टेबिलिटी है वो 1,50,000 तक ही सीमित हो रखी है। मेरा कहना है कि आज के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर को डेफिनेटली जितना लोन एक बोरोवर को मिलता है वहां तक का जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट लोन, दैट बोरोवर मस्ट बी परमिटेड टू क्लेम एज टैक्स डिडक्शन, विच विल हेल्प हिम इन रिड्यूसिंग हिज टैक्स लाइबिलिटी, एंड दैट ऑल्सो विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे इन इंश्योरिंग दैट द होम रिमेन्स अफोर्डेबल टू द एंड कस्टमर। तो वित्त मंत्री जी को जो है हमारी प्रार्थना है कि वो जो है हाउसिंग लोन के अंदर में जो 1.5 लाख रुपए की सीलिंग को बढ़ाकर जितना बैंक रुपया देती है उसके ऊपर में जो भी इंटरेस्ट दे रहा है बोरोवर सारा का सारा टैक्स एग्जम्प्ट कराए। चलिए, तो वित्त मंत्री जी उम्मीद कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, बहुत छोटी छोटी डिमांड से कोई बहुत बड़ी नहीं और बहुत वाजिब डिमांड भी है। मतलब जैसा अभी अभी कहा यहां पर शर्मा जी ने कि जो टैक्स एग्जम्प्शन है 1.5 लाख की लिमिट पिछले 10 साल से वही, अगर हम इन्फ्लेशन भी जोड़ दें तो आज ये 3 लाख से ऊपर चली जाती है। कम से कम 3 लाख तो कर दीजिए, टैक्सेस को घटाइए, एटीआईबी को फिर से आप एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर देखिए। साथ ही अगर आप
इंडस्ट्री का दर्जा दे पाए रियल स्टेट को, तो शायद हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जो एक घर का सपना एक आम आदमी का और जो पूरे देश की इस वक्त जरूरत है वो पूरा हो पाएगा। हमारे सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही आपसे भी विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज वित्त मंत्री तक जरूर पहुंचेगी। नमस्कार। Presented by...